देवदत्त दुबे जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी कि किस तरह से आप बीच के रास्ते को देखते हैं, क्योंकि बीच का रास्ता वाली जो बात है ये सरकार और किसान संगठनों की तरफ से एक लंबे समय से कही जा रही है, लेकिन वो बीच का रास्ता निकल ही नहीं पा रहा। समस्याएं नहीं सुलझती है, तो बीच के रास्ते के चक्कर में नहीं सुलझती। कोई बीच का रास्ता नहीं होता, सीधा सपाट रास्ता होता है। आप हाईवे चुनो, सीधा पगडंडी से क्यों जाना चाहते हैं, क्यों शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, क्यों नहीं स्थायी हल निकालना चाहते? एक बार ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? लेकिन जब जब आप उसको वोट बैंक के रूप में उपयोग करोगे तब तक समस्याएं खड़ी रहेंगी। एक बार चिंता ना करो और पूरी स्पष्ट बात करो, समाधान निकालो, तो सब चीजें हो सकती है। और किसान सहिष्णु है, ऐसा नहीं है कि वो कोई जिद करे, उसको थोड़ा सा लागत मूल्य मिलने लगे उससे। आप देखें ना किसानों की हालत, देखिए भाई, व्यापारी की देखिए, नौकरी नौकरी वाले अगर चतुर्श्रेणी कर्मचारी के देखो, प्रदेश में छापे पड़ते हैं तो पटवारी और ग्राम सचिव के यहाँ लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। अभी किसान के यहाँ छापा पड़ा, तो ये जो बेसिक अंतर इसको समझना पड़ेगा। और कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल आगे किस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं ये देखने वाली बात होगी, और कई तरह के सवाल भी यहाँ पर आंदोलन और सरकार पर भी यहाँ खड़े हो जाते हैं। आप प्रदीप तिवारी जी।